नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जोशना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक ओप्पो A5 का मोबाइल है और ये मोबाइल दोस्तों कम्प्लीटली डेड है। आज हम दोस्तों इस वीडियो पे आपको एक डेड मोबाइल को कैसे रिपेयर करना है इस वीडियो पे बताएंगे। फिलहाल जो मोबाइल डेड कंडीशन पर आती है उनका तो कई सारी रीजन होती है। आज मैं जो रीजन के बारे में बताऊँगा शायद इस रीजन से आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए। तो हमारी पहला ये जो मोबाइल डेड है इसको उस पहले चेक करेंगे कि इसका बैटरी पे कितना वोल्टेज है। बैटरी पे लगभग हमारी 3.5 समथिंग वोल्टेज शो हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ से हम चेक करेंगे कि डैड वैल्यू हमारी बैटरी कनेक्टर पर हमारी डैड वैल्यू कितना है। यहाँ से हमारी वैल्यू जितना भी बता रहा है दोस्तों, हमको लगता है कि यहाँ से कुछ भी शॉर्ट की इश्यू नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम आपके पास आए इसी तरह से, तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से रिपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है। अब दोस्तों यहाँ से हम चार्जर लगा के यहाँ से चेक करेंगे कि हमारी वीवीआर सप्लाई यहाँ से बनती है कि नहीं। और यहाँ से तो हमारी वीवीआर सप्लाई तो कुछ भी नहीं बनती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वीवीआर सप्लाई नहीं बनती होगा तभी भी सेट ऑन होगा वो फेक चार्जिंग के टाइम पर। ये कोई बड़ी बात नहीं। अब दोस्तों हम डीसी पावर सप्लाई में चेक करेंगे कि इसका एक्चुअली रीजन क्या है, इसको हम पता चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जब हम डीसी पावर सप्लाई में पावर की प्रेस करते हैं 20-21 इस तरह से कुछ एम्पियर लेके मिली एम्पियर लेके ये जीरो हो एम्पियर लेता है, और जब हम पावर की रिलीज कर देते हैं ये तुरंत जीरो हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, काफ़ी सारी अभी जो मार्केट में जितने भी ओप्पो वीवो रियलमी एमआई जितने भी सेट्स आती है इन सब का अभी ये जो प्रॉब्लम है ये टेक्नीशियन के दिमाग में घुसना इतना सरल बात नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी सीपीयू से आ सकती है, ये प्रॉब्लम आपकी पीएमआईसी से भी आ सकती है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉफ्टवेयर इशू से भी आ सकती है। इस तरह से प्रॉब्लम आपको कई बार फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम मैंने जो आज इसका इस वीडियो पे सोल्यूशन करने की कोशिश की, मैं कोशिश करता हूँ तो ये मोबाइल मेरे पास सोल्यूशन हो जाए, मैं इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को फाउंड करना इतना आसान नहीं। ये प्रॉब्लम कभी आपकी जो बूस्ट जो LDO कॉयल्स लगती है हमारी, जो लोड ड्रॉप आउट वोल्टेज हमारी CPU तक जाती है, जो कॉयल्स हमारी लगती है वो कभी कभी आपकी ग्राउंड भी शो होगा और आपकी सेट भी ऑन होगा। और ग्राउंड शो होने की भी बाद भी आपको वहाँ से आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको वोल्टेज भी शो होगा, जो हमारी 0.2 के लाइन होती है, सॉरी जो हमारी 1.2, 2.0, 1.8 जितने भी हमारी LDO सेक्शन जितना हमारी वोल्टेज जाती है CPU तक, वो वोल्टेज को वो वोल्टेज ना बनने से भी इस तरह से हमारी जो 0 to 20 या फिर पावर की रिलीज़ हो जाने के बाद जीरो हो जाता है, ये जो कुछ एम्पियर लेके ऑफ हो जा रहा है, इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी कॉयल अगर सही तरह से कॉयल अगर ख़राब है, जो हमारी LDO कॉयल्स लगती है वो कॉयल्स ख़राब होने की वजह से भी हो सकती है, हमारी PMIC ख़राब हो जाने की वजह से भी इस तरह से हो सकती है। इस कंडीशन पर दोस्तों पहले हम हमारी जो PMI-632IC लगती है हमारी ओप्पो A5 में, यहाँ से हमारी चेक करना है कि यहाँ से हमारी VPH लाइन बनती है कि नहीं। अगर यहाँ से हमारी VPH लाइन आउटपुट होती है तो हम आगे की तरफ इसको ट्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ इसका काम है हमारी लाइट सेक्शन और हमारी VPH लाइन बनाने के लिए। जो हमारी PMI-632IC लगती है ये भी एक पावर IC है, और DC-to-DC कन्वर्टर IC बोलो या फिर जो भी बोलो। और यहाँ से दोस्तों ये देखिए 3.5 वोल्टेज यहाँ से हमारी VPS बनता है, और यहाँ से हमको कोई भी VPS लाइन के दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम चेक करना है कि हमारी PMIC के पास हमारी VPS लाइन बनती है या फिर फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट होने के भी और भी वजह हो सकती है, मैं भी बताऊँगा उसके ऊपर। पहले दोस्तों हम फिर एक बार बैटरी लगाकर हमारी जो PMIC PM89153 वो इसके पास चेक करेंगे कि इस पर हमारी VPS लाइन बनती है कि नहीं। ये देखिए यहाँ से हमारी कम्प्लीटली VPS लाइन तो हमको लगता है कि बनती है, और ये परफेक्टली यहाँ से VPS लाइन आ रहा है।
और यहाँ से जो कॉयल्स लगती है वो पावर एसी के पास जितने भी कॉयल्स लगती है वो लो ड्रॉप आउट की कॉयल जो हमारी 1.2, 1.8, हमारी 2.0, 0.8 इस तरह से जो हमारी वोल्टेज जाती है सीपीयू तक, वो वोल्टेज यहाँ से तो आउटपुट नहीं हो रहा है मुझको लगता है यहाँ से आउटपुट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ से हमारी कम्प्लीटली बीपीएच लाइन बनती है और बीपीएच लाइन ही, लेकिन हमारी पावर आईसी से कुछ भी वोल्टेज आगे तक नहीं बढ़ती है। तो यहाँ से दोस्तों हम पहले हमारी पावर आईसी को रिबल करेंगे या फिर इसका चेंज करेंगे, जो भी प्रोसेस आपको ठीक लगे वो भी कर सकते हैं। ये पेस्टेड आईसी अगर रिबल नहीं हो पाएगा तो इस जगह पर हम नया पेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले जो टीन का बॉर्डर है इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारी पीएमआईसी को पहले हम ओपन करके इसका जगह पर एक नया पेस्ट करेंगे या फिर रिबल करेंगे, जो भी ठीक लगेगा वो करेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ से हम एक नया PMI 8953 इसको पेस्ट करेंगे। और ये नया आईसी क्यों पेस्ट किया, क्यों नया आईसी पेस्ट करने से दो वजह हो सकती है, या फिर हमारी फ़ोन ठीक हो सकता है या फिर हमको पता चल जाएगा कि अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि ये पुराना इसको फिर बैठाएंगे तो अगर इसी तरह से प्रॉब्लम आए तो हमको कन्फ्यूज़न हो जाएगा हमारी पीएमआईसी ख़राब है या फिर हमारी सीपीयू ख़राब है। क्योंकि एक नया आईसी बैठाएंगे तो हमको अगर इसी तरह से प्रॉब्लम फिर एक बार शो करेगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी आगे कुछ प्रॉब्लम है। तो पहले ये टीन के बॉर्डर को हम कम्प्लीटली ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ से हम PMI 8953 को यहाँ से एक नया रिप्लेस करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो इस तरह से प्रॉब्लम आजकल चल रहा है, कुछ एम्पियर लेके कुछ एम्पियर हद तक बढ़ जाता है और उसके बाद जीरो हो जाता है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज़ है। ये प्रॉब्लम काफ़ी देर आप मैं जो प्रॉब्लम से ये जो प्रॉब्लम के लिए आज जो सोल्यूशन मैंने निकाला हूँ और सोल्यूशन तो बहुत हार्ड है दोस्तों, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे सोल्यूशन भी इस तरह से हो सकती है। कभी कभी कॉयल की वगैरह भी, आपकी कॉयल जो वोल्टेज है जीरो, एक साइड आपकी 1.2 वोल्टेज आ रहा है, दूसरे साइड कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, उस टाइम से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉयल की इशू है। तो कम्प्लीटली ये जो पावर आईसी के पास जितने भी कंपोनेंट्स है, वो कैपेसिटर हो या फिर आपकी एलडीओ लाइंस जो कॉइल्स रहती है वो कॉइल्स हो, इन सब के पास वोल्टेज चेक करना है हमारी बीपीएच लाइन बनती है कि नहीं, और हमारी 0.8 और हमारी 1.2 और जितने भी वोल्टेज हमारी सीपीयू तक जाती है वो सब कुछ यहाँ से कम्प्लीटली जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ से दोस्तों हमारी पीएमआईसी को यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ से है। काफ़ी दिनों से दोस्तों मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि वर्क एक्चुअली दोस्तों शॉप में इतना हैवी है कि मैं वीडियो के बारे में अभी सोच भी नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो पूरे नीट एंड क्लीन से वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो अगर अच्छे क्वालिटी का ना हो और आपकी समझ में ना हो तो ऐसा वीडियो मुझको लगता है बनाना ही बेकार है। तो यहाँ से हम इसको रिबल करने की कोशिश की पीएमआईसी को, यहाँ से रिबल सक्सेसफुल नहीं बना। तो यहाँ से हम एक नया आईसी यहाँ से पेस्ट करेंगे।
तो यहाँ से दोस्तों हमारी सक्सेसफुली PM8953 पेस्ट हो गई। अब दोस्तों फिर एक बार हम डीसी पावर सप्लाई में चेक करेंगे हमारी जो कम्प्लीटली मोबाइल डेड था वो ऑन हो गया या फिर अदरवाइज कुछ इस पर इश्यू है। ये देखिए दोस्तों यहाँ से ये अभी भी सेम इशू है, जो प्रॉब्लम हमारे पास जो पहले जो प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम अभी भी है, इस पर कोई बदलाव नहीं। ये दोस्तों हमारी PMIC से ये प्रॉब्लम नहीं था। फिलहाल दोस्तों हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट पहले करना था इसलिए हम प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, क्योंकि मुझको पता था कि इसका CPU प्रॉब्लम हो सकता है, इसका CPU ड्राई हो सकता है। लेकिन मैंने क्यों आपको इस वीडियो पे देखा है, क्योंकि आप प्राइमरी ट्रीटमेंट पहले कीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी देर पावर IC ड्राई होने की वजह से भी हो सकता है। डायरेक्ट CPU को अटैक करना दोस्तों ठीक बात नहीं, पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे और उससे नहीं बना तो हम CPU और EMMC तक जाएंगे, क्योंकि CPU EMMC मोबाइल की मदरबोर्ड में एक मेन पार्ट होती है, उसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए हम प्राइमरी ट्रीटमेंट पहले करेंगे, अगर नहीं बना तो उस टाइम पे हम CPU और EMMC के ऊपर ध्यान देंगे। तो अभी दोस्तों हम यहाँ से जो हमारी CPU और EMMC है इसको रिबल करेंगे, रिबल करने के बाद पेस्ट करने के बाद हमारी जो प्रॉब्लम है इसको चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व होता है या फिर अदरवाइज इस पर कुछ इशू है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये प्रॉब्लम को फाउंड करना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैंने इस बोर्ड पर काफ़ी सारी ट्राई किया था और इसका पावर AC के पास BPS वोल्टेज बन रहा था, अदरवाइज इस पर कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा था, इसलिए हमको लगा कि इसका PMIC प्रॉब्लम हो सकता है। जब हम इसका PMIC को तो रिप्लेस कर दिया, PMIC रिप्लेस करने के बाद वही सेम ये कंडीशन जो कंडीशन पे हम पहले चेक किए थे मोबाइल को वही कंडीशन पे था, तो हमको लगा कि इसका CPU 100% इसका CPU से प्रॉब्लम है। यहाँ से कम्प्लीटली हम इसका CPU और EMMC को रिबल करने के बाद जो डेड कंडीशन पे था उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ से दोस्तों हमारी सीपीयू और ईएमएमसी दोनों कम्प्लीटली पेस्ट हो गई। अब दोस्तों यहाँ से हमको चेक करना है कि हमारी मोबाइल जो डेड कंडीशन पे था वो सक्सेसफुली रिकवर हो गया या नहीं हुआ। फिलहाल दोस्तों आपके पास जो भी इस कंडीशन पे सेट आए तो पहले उसका सारी के सारी जो पावर एसी के पास कॉयल होती है वो कॉयल को चेक कीजिए। ये देखिए दोस्तों ये सक्सेसफुली हमारी मोबाइल जो डेड कंडीशन पे था वो रिकवर हो चुका है दोस्तों। ओप्पो A5 का सेट है दोस्तों, ये हमारे पास डेड कंडीशन पे आया था, ये सक्सेसफुली रिकवर हो चुका है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पर।